नहीं लौकी की सब्जी नहीं खानी मुझे यार, कुछ और बनाइए ना यार, थक गई माँ प्लीज कुछ। मामा आपको आपको बात करती हूँ। हे गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? सो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ गाइस। मैंने बहुत बार सोचा कि बनाओ या ना बनाओ, पर मैंने लास्ट टाइम 3 साल पहले एक रिएक्टिंग टू मीन कमेंट वीडियो बनाया था। फिर मुझे लगा यार टाइम हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार उन सब हेटर्स को कुछ रिप्लाई तो मुझे देना चाहिए, है ना? तो आई थॉट लेट्स डू दिस नाउ, टाइम आ गया है। सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ठीक है, फॉर मी फॉर डूइंग दिस अगेन, कि तुमको एक और ऐसा वीडियो देखना है, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स गो टू द फर्स्ट मीम कमेंट। मेघा LIC ने लिखा है, आई हेट 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 यू मेघा, बट आई हेट टू लव यू बिकॉज। नेक्स्ट मीम कमेंट इज फ्रॉम यक्षक जैन 2, मतलब तुम्हारे दो जैसे लोग हैं। तेरी औकात खाली रिक्शा चलाने की है, आई जस्ट लाइक योर यूट्यूब नेम एज इट इज एज ऑफ योर टाइप यू। वाह यक्षत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक वो लौते मीम कमेंटर हो जो मीम कमेंट के अंदर ना कुछ पॉजिटिव लिखा है यार। देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड देर इज होप फॉर यू। द नेक्स्ट मीम कमेंट इज फ्रॉम समबडी कॉल्ड साउथ साउथ, और प्रोफाइल पिक्चर भी इनकी साइड की दी हुई है, इंटरेस्टिंग। गो डाई यू ओके, आई हेट इट व्हेन यू से ओ माय इन हिंदी। यार मैं ओ माय कब बोलती हूँ? देख डाई तो मैं जरूर करती हूँ, पर एक ही पर्सन पे मैं ना मरती हूँ, रणवीर सिंह पे। चलो नेक्स्ट मी कमेंट लिखा है स्पर्श सक्सेना टिल द एंड। देख स्पर्श, डील ऐसी है कि लाइफ में ना हर चीज टिल द एंड करना चाहिए, कभी बीच में रोकना नहीं चाहिए। वैसे मेरे वीडियोस वो हमेशा ना टिल द एंड देखा करो, डील। चलो नेक्स्ट, किसने मुझे मीन मीन चीजें बोली है, वुड बी ग्रेट टू सी समवन रन ओवर हर विद एन एक्शन रिक्शा, अनोइंग। क्या किसने ये लिखा है? साय साय शाय गाय साय, ओपन कंगनम स्टार, कंगनम स्टार, ओप 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 डियर साय 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 शाय गाय, जो भी नाम आई डोंट नो, रिक्शा मेरे ऊपर जाए या ना जाए मैं दिलों में जरूर जाती हूँ। नेक्स्ट मीम कमेंट इज बाय स्टोरीज ऑफ साइलेंस, इफ करीना सॉ दिस बाय चांस देन शी विल डेफिनेटली हैव अ मिनी हार्ट अटैक दैट विल एक्सन। चलो छोड़ो, स्टोरी ऑफ साइलेंस, यू ब्रोक योर साइलेंस। पता क्या है, तुमको ना अपना नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम ना बहुत ही ज्यादा बड़बड़ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम होना चाहिए स्टोरीज ऑफ बड़बड़, व्हाटएवर। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम विवेक ठाकुर, डिड शी सेड थरक इंस्टेड ऑफ थरक बाय यूजिंग अ फेक एक्सेंट। विवेक जी, मेरा एक्सेंट ना आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, वो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज वो यूनिक है, बट डिड यू वेंट टू स्कूल? क्योंकि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है ना वो ना बहुत हिलिंग डुलिंग है, डिड शी सेड। नेक्स्ट मीम कमेंट इज फ्रॉम, अभी मजा आ रहा है थोड़ा, तने शर्मा, यूट्यूबर विद द वर्स्ट एक्सेंट एंड मोस्ट इरिटेटिंग अवार्ड गोज टू रिक्शावाली, एटलीस्ट शी इज वन समथिंग। आई जस्ट वांट टू से, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अब्दुल रहीम ने बोला है, फेक वीडियो मेकर गोट 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 मोटी, यू आर अ गोट। नेक्स्ट मीम कमेंट है बाय इर्ताज खान, यू आर अ बिग
very overacting in each video. This is the truth. Please let me give you advice. Stop making like videos. Who agree? Hit like. You are very Kali. इर्ताज़ा जी, देखो सबसे पहले एडवाइस तो मैंने आपसे पूछा नहीं है, लेकिन अभी आपने फ्री में एडवाइस दे ही दिया है तो मैं आपको ये बताती हूँ, हम काले हैं तो क्या हुआ? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तेरे तेरे चलो नेक्स्ट मीन कमेंट इज फ्रॉम ड्रूफ द सुपर हीरो. वाओ क्या नाम रखा है, गरीबों की सुपर वुमन या 13 DB क्या है? जूम करके देखती हूँ. ए तुम डेडपूल है यार, अगर मैं गरीबों की सुपर वुमन हूँ तो तू गरीबों का डेडपूल है. चलो नेक्स्ट मीम कमेंट इज बाय अभिजीत रावत. रिक्शा वाले की औकात तो देखो, दीज ऑल आर फेक अकाउंट्स. यू थिंक दे गॉट नो बेटर वर्क इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग यू. जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था सेंडिंग 100 DMs टू सेलिब्रिटीज ऑन इंस्टाग्राम. सो अभिजीत जी लग रहा है कि आपको भी कोई भी काम धंधा नहीं है लाइफ में, बस एक कमेंट लिखने में तो काम करते. मेरे पास काम नहीं है, आपके पास काम नहीं है, चलो साथ साथ जेसीबी की खुदाई देखने जाते हैं, क्या बोलते हो? नेक्स्ट मीन कमेंट आया है रैपिंग वर्ल्ड से. वाह, लगता है आपको रैपिंग भी आती है और मीन कमेंट्स भी लिखने आता है. मल्टीटास्किंग मोटी क्या बना रही है पागल, मैं भी ये फेक चैट बनाता हूँ क्या? तू फेक चैट्स क्यों बनाता पहली बार तो? सेकंडली ये बात कर रहा मेरे उस वीडियो का जहाँ पर मैंने 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को DM भेजे इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है जो रिस्पॉन्सेज मुझे आए ना वो सब फेक थे. आज मैं तुम लोग को बताती हूँ उसमें से कुछ भी फेक नहीं था, एंड आई विल प्रूव इट. वॉच दिस. रैपिंग वर्ल्ड अभी भी लग रहा है वो DMs फेक थे. और अगर तुमको मुझसे एक रिप्लाई चाहिए, मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आई माइट रिप्लाई टू योर DM. ठीक है, अभी फॉलो करो. नेक्स्ट कमेंट है हनी हनी से. अरे वाह हनी हनी, देखिए आपने क्या लिखा है भाई, ये क्या भाषा है? एक सेकंड, मैं तुम लोग को हिंदी में ये ट्रांसलेट करके बोलती हूँ. अगर तेरे को न्यूड होना होने का इतना ही शौक है तो घर में रहा कर, बाहर मत आया कर. तेरी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, तेरे वजह से छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे. तू 3 साल की बच्ची नहीं है जो स्कर्ट पहन के घूम रही है, तेरे को शर्म नहीं आती है बेशरम? हनी हनी, नाम में तो आपका शहद है पर आप इतना जहर क्यों फैला रहे हो? तुम हनी नहीं, तुम ना सपर हो. सपर उड़ना हनी सप. सो गाइस, ये था वीडियो मीम कमेंट्स. बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा. एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग मीन कमेंट्स लिखते हैं लाइफ में, मैं तुम लोग को बस कहना चाहती हूँ, मुझे ऑनेस्टली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आई एक्चुअली थिंक इट्स फनी, पर ज्यादातर तुम लोग को एक्चुअली बॉदर होगा, क्योंकि तुम लोग नेगेटिव कमेंट लिखोगे तो तुमको कुछ नेगेटिव फील होगा तो और नेगेटिव चीजें होने लगेगी. सो आई वुड सजेस्ट यू पॉजिटिव चीजें लिखा करो, पॉजिटिव सोचा करो, बिकॉज फिर तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आएंगी. ठीक है, डोंट राइट मीन थिंग्स, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. ठीक है, और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो. देखते हैं इस वीडियो को कितने लाइक्स आते हैं, कि तुम लोगों को मेरे रिस्पॉन्सेस अच्छे लगे. अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय क्लिकिंग समवेयर, बिकॉज मैं हर सैटरडे या ट्यूसडे, हर सैटरडे को वीडियोस अभी बनाती हूं, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट. और अगर तुम सब कर रहे हो, तुमको तो पता है फंडा, तो सब कुछ हो जाएगा. सो आई एम सेंडिंग यू ऑल अ बिग लव एंड अ पंच your way. All right, be positive, always be positive.